बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, क्रूज़ बाइक्स को पसंद किया जाता है उसके स्टाइल, डिज़ाइन, कंफर्ट और लॉन्ग टूर्स के लिए, और वो भी आपको नए फीचर्स के साथ 2025 में जो नए फीचर्स ऐड हुए हैं उनके साथ मिले आपको हार्ले 883, तो क्या ही बात है। जी हाँ, मुझे पता चला था कल कायम ऑटोस पे कंटेनर खुल गया है नई शिपमेंट का, उसी में ये हार्ले के भी नए मॉडल्स आए हैं। अहमद अली भाई के पास अलकायम ऑटोज लाहौर, होटल लाहौर, इसी सिलसिले में हम आए अहमद अली के पास। रिक्वेस्ट की थोड़ा टाइम दें हमारे व्यूअर्स के लिए कि तफसील के साथ रिव्यू करवाएं, प्राइस बताएं, नए फीचर्स बताएं, पेट्रोल एवरेज बताएं, टॉप स्पीड बताएं और कितने की मिलेगी और इंस्टॉलमेंट पे कितने की मिलेगी, ये सब बताएं। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? ठीक ठाक सर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह फिट। माशाल्लाह अहमद साहब, माशाल्लाह बड़ा कुछ नया आया हुआ है यार। जी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मॉडल नए लेके आए हैं, जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, ये हार्ले 883 का रेप्लिका है जो कि 2025 की ये लुक में हमारे पास मॉडल आया। अभी फर्स्ट लुक इसकी पाकिस्तान में 2025 की है और इसके अंदर काफ़ी फीचर जो कंपनी ने चेंज कर दिए हैं और मज़ीद इसको जो लोगों की ख्वाहिश थी उसके मुताबिक बना दिया गया। अहमद भाई, नज़र तो आ रहा है काफ़ी कुछ इसमें तब्दीलियाँ हैं। जी अच्छी तब्दीलियाँ हैं, लेकिन आपसे जानना चाहते हैं, आप बताएंगे क्या क्या चेंज। जी सर, सबसे पहले ना हम फ्रंट से स्टार्ट करते हैं इसके, मैं देखने वालों को इंशाल्लाह तफसील से बताऊंगा जो मेरे भाइयों को समझ आ जाए। सबसे पहले अगर आप इसकी ये लाइट देखें जो पुराना मॉडल है और इसकी और लाइट में सबसे बड़ी चेंजिंग ये है कि आप ये देखें, बिग साइज़ की लाइट लगा दी है। DRL देखें इसके कितने कमाल के हैं और लेवल के हैं, ये इसकी लाइट है सर। इसके अलावा एक बड़ा समझ लें, इसके ऊपर शॉर्ट सा मडगार्ड लगा दिया, बड़ा सेक्सी किस्म का फ्रंट मडगार्ड लगा दिया जो कि इसकी खूबसूरती को निखार रहा है। पूरी सेक्सी है जी। और इसके अलावा जो मेरे भाइयों को मेन चीज़ चाहिए होती है वो अच्छी ब्रेक चाहिए होती है, इसके अंदर आपको ABS ब्रेक मिलती है। पहले नॉर्मल ब्रेक आती थी कैलिबर पिस्टन के साथ, अब ये ABS इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया और बड़ा अच्छा ये फीचर है। मैं समझता हूँ कि कंपनी को बहुत जल्द कर देना चाहिए था, लेकिन अब ये 2025 के अंदर उन्होंने ये मुतारफ़ करवा दिया। ABS का दोस्तों ये फ़ायदा होता है कि बाइक एकदम ब्रेक लगा के आपको स्लिप नहीं होने देती, ये कैप्स के साथ ब्रेक लगती। जी सर, इसके अलावा इसके जो शॉक्स हैं वो पहले भी यही आते थे, अभी भी वही हैं, अपसाइड डाउन शॉक हैं, क्योंकि शॉक्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग इसी को जो शॉक्स हैं अपसाइड डाउन शॉक, इन फोर्टिस शॉक, इनको लोग पसंद करते हैं। इसमें देखें बड़ी तब्दीली, जो मीटर भी है वो भी चेंज कर दिया गया, मुकम्मल तौर पे इसका मीटर चेंज कर दिया गया। उसके अलावा एक और बड़ी चेंजिंग अगर आप देखेंगे तो इसकी हैंडल बार की देखेंगे, हैंडल बार इसकी ऐसे कर दी गई है जैसे कि चोपर में लोग मांगते हैं। हाँ, एक लेवल इस चीज़ का कहते हैं कि यार क्रूज हो या चोपर हो, हैंडल इस तरह होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, तो उसी तरह के इसके अंदर हमने हैंडल इंस्टॉल करवा दिया। इसके अलावा अगर आप इंजन के पास देखेंगे तो यहाँ पे रेडिएटर लगा होता है, उसके ऊपर भी हमने ये एक शील्ड लगवा दी है। काफ़ी भाई कहते थे कि यार ये रेडिएटर ना ओपन बहुत बुरा लगता है, और ये देखें हमने बड़ी खूबसूरत इसके ऊपर शील्ड इंस्टॉल करवाई है जो कि मेरे भाई इंशाल्लाह ये देखेंगे उनको पसंद आएगा। और क्रैश गार्ड भी अगर आप देखेंगे, इसका सेफ्टी ग्रिल जो लगी हुई है इसके अंदर, ये काफ़ी बिग साइज़ की लगवाई है, अगर कोई भी इसको रिमूव करना चाहे तो एक मिनट में हम इसको रिमूव कर देंगे। उसके अलावा सर अगर इंजन की तरफ देखें तो ये नई जनरेशन का इंजन है, ये जो गोल्डन पल्ले वाला है, क्योंकि ब्लैक तो शुरू से चलता आ रहा है। ऐसा ही कुछ मार्केट में है लोग जो पुराने इंजनों को नया करके बेच रहे हैं, लेकिन ये गलत चीज़ होती है। एक 25 की लुक के अंदर आपको कंपनी एक इंजन दे रही है गोल्डन कलर का दे रही है, ये नई लुक का इंजन है। ये साइड कवर देखें आप इसके, तो ये एक लॉन्ग साइज़ के साइड कवर कर दिए गए हैं जो कि पहले इंजन इसका नज़र आता था, अब ये बहुत महदूद तक छुप गया है इसका इंजन, तो ये कवर भी इसके अंदर हमने नए समझ लें कि अच्छे किस्म के इसके अंदर इंस्टॉल करवा दिए गए हैं। एग्जॉस्ट देखेंगे, एग्जॉस्ट पहले इसके काफ़ी लेंथी होते थे, अब इसके एग्जॉस्ट जो है वो थोड़े से स्मार्ट कर दिए हैं और काफ़ी हद तक इसका साउंड भी उससे बेहतर हो चुका है। इसके अलावा अगर बात करें इसकी मेन चेंजिंग की और इसकी बैक प्रोफाइल भी देखें तो ये भी चेंज हो चुकी है, तो ये देखें इसका बैकलाइट भी हमने इसके अंदर काफ़ी अच्छी क्वालिटी की और डिज़ाइन मडगार्ड का भी बहुत खूबसूरत करवा दिया गया। बिल्कुल जी, बैक टेल इसकी बड़ी ओवरऑल देखें जी बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सीटिंग पोस्टर, सीट तो बहुत ज़बरदस्त बहुत सर, ये समझ लें स्पेशली कंपनी को सजेस्ट करके इसको रेडी करवाया है, बहुत ही कमाल की सीट है, आगे वाला बंदा लैदा बैठे, पीछे वाला लैदा बैठे और आगे वाला ड्राइवर जो है फुल टेक लगा के राइडर जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें एक और आपको बड़ी अच्छी चीज़ दिखाऊं, इसकी USB पोर्ट देखें हमने किधर इंस्टॉल करवाई है,
तो ये सर इसकी बाइक की कुछ चेंजिंगें थी जो कि लोगों की डिमांड थी कि अहमद अली भाई इस तरह की जो चीज़ें हैं ना हमारे लिए आप मज़ीद इसमें करवाएं। तो कंपनी से हमने रिक्वेस्ट की, उनको सजेस्ट किया, उन्होंने उनकी मेहरबानी है, उन्होंने बात सुनी है और इसको कौन सा ना चेंज किया। तो इसको बहुत ही ज़्यादा लोग पसंद करते हैं ये हार्ले 883 के रेप्लिका को, और इसके अंदर मज़ीद आपके लिए उन्होंने इतनी के ज़बरदस्त चीज़ें डाल दी हैं कि आपको EFI इंजन भी दे दिया है और आपको ABS भी दे दिया है। ये फर्स्ट टाइम ऐसे है कि अगर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे हार्ले 883, तो फर्स्ट टाइम रेप्लिका जो 883 का है उसके अंदर आपको ABS देखने को मिल रहा है। अच्छा जी, काफ़ी ऐसी बाइक आई हैं जिसके अंदर ABS था, लेकिन ये मॉडल फर्स्ट टाइम मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसके अंदर हमने ABS इंस्टॉल करवाया। आला ज़बरदस्त, 400 CC है ना जी? 400 CC है, पूरा 400 CC का इंजन है, वाटर कूल है, EFI है और ABS ब्रेकिंग सिस्टम है इसका। और इसकी जो मेरे भाई ज़्यादातर सवाल यही पूछते हैं कि ये फ्यूल एवरेज क्या करेगी जी, 20 से 25 किलो पर लीटर में ये फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखती है। ये हैवी मशीन है, उसके बावजूद आपको 20 से 25 की टॉप स्पीड। और जो मेरे भाई स्पीड लवर हैं उनको भी बताता चलूं कि 170 से ऊपर इसकी स्पीड की उम्मीद नहीं रखनी। अगर आपको 170 की टॉप स्पीड अच्छी लगती है तो इस बाइक को परचेज करना है, अदरवाइज इसको इग्नोर करना है। 170 की टॉप स्पीड पाकिस्तानी रोड्स पे कम है क्या? सर देखें, हर मेरे भाई की अपनी अपनी एक आदत है, हर बंदे के एक अपना अपना क्रेज़ है। हमने तो आज तक 60 70 या 100 से ऊपर अपनी गाड़ी नहीं चलाई, तो मोटरसाइकिल तो हम सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए हर बंदे का क्रेज़ होता है, ड्रीम होता है, हमारा हक है लोगों को बताना कि मेरे भाई ये चीज़ इस तक जा सकती है। तो अगर मेरे मुताबिक ये आपको 150 की स्पीड भी दे दे तो ये बहुत बड़ा सोने पे सुहागा है, लेकिन 170 की टॉप स्पीड जो कस्टमर फीडबैक देता है वो मैंने आपको बताया है। वैसे कंपनी कहती है कि ये 200 की टॉप स्पीड देगी। भाई वो 2.5 करोड़ की एक बाइक का जो एक पाकिस्तानी के पास है, उसने 300 से ऊपर चलाई है जी सर, और लेकिन है भी 2.5 करोड़ से ऊपर की, लेकिन वो प्राइस देखे ना सर कितनी ऊपर चले जाती है। तो अगर आप कम बजट के अंदर रह के इतना मजा ले सकते हैं तो और क्या चाहिए बंदे को। ऐसा ही है जी। तो अब आते हैं साहब प्राइस की तरफ। सर प्राइस भी बताऊंगा इंशाल्लाह। सबसे पहले ना आपके देखने वालों को ये भी सवाल होता है यार, इसकी मार्केट कैसी है? लोग कहते हैं कि यार ये चाइनीज़ बाइक है, ये बिकने में मुश्किल होगी। मैं आज अपने भाइयों को बताता चलूं, जो चीज़ सबसे सस्ती होती है वो सबसे जल्दी बिकती है, उसका कस्टमर भी ज़्यादा होता है, और जो चीज़ महंगी होती है उसका कस्टमर भी कम होता है। और मैं आपको एक पढ़ी लिखी नॉलेज वाली बात बताता चलूँ, आज एक छोटा सा पॉइंट है, वो लोग इसके ख़िलाफ़ करते हैं जो इस बाइक को परचेज़ नहीं कर सकते, और लोग जो हसद करते हैं वो लोग इसके ख़िलाफ़ इस तरह की बातें करते हैं। एक ओरिजिनल बाइक अगर आप 70-80 लाख रुपए का लेते हैं, अगर उसका एक सेंसर ख़राब हो जाता है, सर ये सुनने वाली बात है, बड़ी नोटिस वाली बात है, अगर एक सेंसर ख़राब हो जाता है उसका सेंसर 5 लाख रुपये का, एक सेंसर 5 लाख रुपये का, तो ये किसी की अफोर्ड में नहीं आ सकता। और अगर अल्लाह ना करे इसका सेंसर ख़राब हो जाता है तो ये 25,000 रुपये का है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये बाइक कितनी कामयाब होगी और कितने लोग इनको पसंद कर रहे होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात को समझेंगे। अगर तो आपके पास इतनी अखराजात हैं, इजाज़तें हैं, जेब खर्च कर सकते हैं, तो ओरिजिनल की तरफ आएँ, उनका तो जोर ही कोई नहीं है। तो जो मेरे भाई इस तरह की बाइकें नहीं अफोर्ड कर सकती, तो खुदारा उनका जेन बजर ना किया करें। जो लोग अपनी ख्वाहिशात पूरा करना चाह रहे हैं उनका साथ दिया करें। अहमद भाई रेप्लिका है लेकिन गारंटी तो आपको कोई वारंटी देते होंगे? जी सर बिल्कुल देते हैं, हमें कंपनी वारंटी देती है 3 मंथ की, ओवरऑल बाइक्स की वारंटी है, ओवरऑल पूरी बॉडी का, कोई पार्ट्स ख़राब हो जाए, कोई इंजन में प्रॉब्लम आ जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये मौके पर, कोई टाइम नहीं कि भाईजान कंपनी को जाएगा आएगा, ये नहीं, आए हमारे शोरूम पे आके आप अपना पार्ट्स चेंज करवाएं और इंजॉय करें। तो दोस्तों क्या चाहिए आपको? वाटर कूल इंजन है, EFI मिल रहा है, ABS भी मिल रहा है, गारंटी भी मिल रही है, और साथ आपको इकोनॉमिकल प्राइस में भी ऐसी सुपर मशीन मिल रही है, क्रूज बाइक मिल रही है, तो और क्या चाहिए। इसे शिपमेंट्स में बहुत सारी नई बाइक्स भी आई हैं अहमद भाई के पास, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम साथ साथ इनका भी रिव्यू देंगे आपको। चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी अहमद भाई जरा साउंड तो सुनाएं इसका। जी मैं साउंड चेक करवाता हूँ। ठीक है, जबरदस्त दबंग साउंड भी सुन लिया दोस्तों। अब आते हैं जी अहमद भाई से, इसकी प्राइस जानते हैं। जी सर, सर इसकी जो प्राइस डिमांड कर रहे हैं
वो सिर्फ और सिर्फ 13 लाख रुपए इसकी प्राइस डिमांड है। जो भी इंटरेस्टेड है वो मौके पे भी कमी पेशी करवा सकता है। और सर मजीद ये कि अगर आप कैश पे नहीं अफोर्ड कर सकते तो किस्तों के प्लान के लिए भी आप अहमद भाई से रब्ता कर सकते हैं। जी इंशाल्लाह इंस्टॉलमेंट पे भी मिल जाएगा। जी सर तो अपना नंबर बता दें प्लीज। जी कॉन्टैक्ट नंबर है 03034064889। इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर रब्ता करें। तो दोस्तों बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन दोस्तों के लिए जो हैवी बाइक सुपर बाइक के मज़े लेने चाहते हैं लेकिन 60-70 लाख भी अफोर्ड नहीं कर सकते। वो बजट में रहते हुए अलकायम ऑटोज़ लाहौर होटल लाहौर से अभी मजीद बहुत सीरीज़ है पूरी एक से बढ़कर एक 2025 मॉडल में दिलकश अट्रैक्टिव जाज़बे नज़र नए फीचर के साथ बाइक्स का हम रिव्यू इंशाल्लाह कराते रहेंगे। 2-3 दिन बाद एक वीडियो आ जाया करेगी। नंबर फिर से रिपीट कर रहा हूँ अहमद अली भाई का 03034064889 कॉन्टैक्ट नंबर अहमद अली भाई का जिस पे आप कर सकते हैं रब्ता बाज़ाब्ता। अपने दोस्त अपने होस्ट नसीम बुखारी को अहमद अली भाई के साथ अलकायम ऑटोज़ लाहौर होटल लाहौर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।